सुनने की संस्कृति के ऊपर लोगों ने क्या किया, इस बात पर मैं मेरी बात रखना चाहता हूं। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा मां की गोद में होता है, बच्चा पैदा होता है, तब मां के पास पहले औरत होती है और वही बच्चा जब बड़ा होता है उनकी शादी होती है, तो उनकी शादी में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी आते हैं। जब उनका जन्म होता है तो उनको बैठाने के लिए पहले आदमी होते हैं। सोचिए दोस्तों, बुद्ध की जीवनी पर ऐसा कहा जाता है कि बाबा बुद्ध जब जब तपस्या करने गए, तब उन्होंने ऐसा सोचा कि अपने राजघाट में जब घूमने गए, तो घूमने घूमते घूमते उनको दिखा कि कई बार खुशियां मना रहे, कई बिरोल लगाए बजा रहे और कई पर रो रहे। मतलब कि बच्चा का जन्म हुआ, वहां पे महिलाएं थी, खुशी मनाई जा रही थी। बाद में जब दूसरी स्टेज पे गए, वहां पे सभी बड़े बुजुर्ग नाच रहे थे, और तीसरी स्टेज में गए, तो इंसान जब उनकी मृत हो गई, तो इंसान को उठा करके आदमी लोग मशान ले जा रहे थे। तो दोस्तों, ये जो यूनियन तो ये आदिवासी से और आदिवासी जीवनी से बहुत ही मिली होती है। तो ये बात भगवान बुद्ध ने नहीं समझाई, और भगवान बुद्ध को इसलिए समझ गया था कि इंसान जब भी आता है कहीं याद आता है कहीं याद जाता है, लेकिन इंसान या तो जीना रखने के लिए कहा गया, आदिवासी इंसान ही जीता है और आदिवासी जिएगा तो ऐसा जहां जिएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक सोचा और बात रखी भगवान बुद्ध के ऊपर। मेरे भाई ने क्या बोला था कि बाइबल है, कुरान है, मस्जिद है। दोस्तों, मैं किसी धर्म पर और किसी जातिगत पर विरोध नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ गीता के रचयिता जिन्होंने गीता बोली है, वही भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि राम 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 भगवान नहीं है लेकिन भगवान है। कुछ भाव को कहा, पिताजी को कहा, किसी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मेरे यहाँ बैठे वैसे भी साथियों से, मेरे क्रांतिकारी से यही निवेदन है कि आपको पूजना है, आप बोलते हो पूजा करें, तो सबसे पहले माँ बाप की पूजा करो, अपने